जादुई तीन रानियां। कई हजार वर्षों पहले की बात है, ढोलकपुर राज्य में एक बहुत ही होशियार और बहादुर राजा रहता था। राजा किरोड़ीमल एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल राजा था। राजा हमेशा अपनी प्रजा को दान दक्षिणा देता रहता था। पूरी प्रजा राजा से खुश थी। राजा किरोड़ीमल की दो रानियां थी, पहली रानी सुलोचना और दूसरी रानी सपना। रानी सुलोचना की एक भी संतान नहीं थी, जिस कारण राजा ने दूसरी रानी सपना से विवाह कर लिया था और सपना से ही राजकुमार इंद्र का जन्म हुआ। राजकुमार इंद्र भी अपने पिता की तरह ईमानदार और नेक दिल थे, परंतु राजकुमार इंद्र में एक ही कमी थी कि वे अपने पिता की तरह निडर व साहसी नहीं थे, जिस कारण राजकुमार इंद्र के विवाह में काफी दिक्कतें आ रहे थे। जहां कहीं भी राजकुमार शादी के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करते, वो बाकी राजकुमारों के मुकाबले पीछे रहते। ये सब देख बाकी राजकुमार राजकुमार इंद्र का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। राजकुमार विनय ने अपने श्रेय और पराक्रम से भरतपुर के राज्य को प्रसन्न कर लिया और उनकी पुत्री से विवाह हो गया। तुम कब विवाह कर रहे हो राजकुमार इंद्र? अब तो सभी राजकुमारों का विवाह हो गया है, इसका विवाह कैसे होगा? यह तो डरपोक की तरह शेर को देखकर पीछे भाग जाता है। ना तो शिकार खेलने में अच्छा है और ना ही किसी और कार्य में। अगर ऐसा ही रहा तो ना ही कोई राजकुमारी पसंद करेगी और ना ही इनका कभी विवाह होगा। इन सब बातों से राजकुमार इंद्र का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो बिना कुछ कहे महल की ओर चला जाता है। राजा किरोड़ीमल भी राजकुमार की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, इसलिए राजा किरोड़ीमल राजकुमार के शौर्य और पराक्रम को बढ़ाने के लिए राजकुमार को एक महीने के लिए वनवास काटने के लिए बोल देते हैं। सुनो इंद्र बेटा, हमने तुम्हारे साहस और पराक्रम बढ़ाने के लिए तुम्हें एक महीने के लिए जंगल में भेजने का फैसला किया है। वहाँ तुम बिना किसी राज्य सुविधा के एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करोगे। अगर तुम जंगल में एक महीने तक बिना किसी राज्य सुविधा के रहने में कामयाब रहे तो हम तुम्हारा राज्य अभिषेक करवा देंगे। राजकुमार भी राजा की बात मानकर एक आम आदमी के कपड़े पहनकर जंगल की ओर निकल जाता है। सर्दियों के दिन थे, जंगल में कड़ी सर्दियां पड़ रही थी। राजकुमार इंद्र जंगल से लकड़ियां काटकर अपने लिए जैसे तैसे एक कच्चा घर बना लेते हैं और उसी में रहकर रात काटते हैं। सुबह होते ही राजकुमार अपना तीर धनुष लेकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। शुरुआती दिनों में राजकुमार छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके फल व सब्जी इकट्ठे करके अपना गुजारा किया करते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और एक दिन राजकुमार नदी किनारे लकड़ियां काटने चले जाते हैं। राजकुमार लकड़ियां काट ही रहे होते हैं कि तभी उनकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। राजकुमार ये देखकर बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ियां काटकर अपना खाना बनाया करते थे। राजकुमार को पानी से बहुत डर लगता था, किंतु फिर भी केवल वो एक कुल्हाड़ी के लिए बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन पानी के अंदर जाते ही राजकुमार इंद्र को एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। राजकुमार को पानी के अंदर एक घर भी दिखाई दे रहा था। राजकुमार उस घर में चले जाते हैं। राजकुमार देखते हैं कि उस घर में एक चुड़ैल ने तीन परियों को कैद कर रखा है और वे उनकी बलि देने जा रही है। लगता है मैं किसी चुड़ैल के घर में आ गया हूँ, मुझे जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। इतना कहकर इंद्र पानी से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसके अंदर की आत्मा उसे उन तीन मासूम परियों को छुड़ाने के लिए कहती है। राजकुमार इंद्र, यही टाइम है अपने श्रेय और पराक्रम को दिखाने का। याद करो, तुम्हें सभी राजकुमार डरपोक और कायर कहते हैं। अगर तुमने आज इन परियों की जान बचा ली तो पूरे संसार में तुम्हारी वाहवाही होगी। अपनी आत्मा से ये सब सुनकर राजकुमार उत्साहित होकर परियों की जान बचाने की सोचता है। राजकुमार वहीं छुपकर चुड़ैल के वहां से जाने का इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहां से दूसरे कमरे की तरफ चली जाती है।
तभी राजकुमार इंद्र मौका देखकर उन तीन परियों के पास चले जाता है। आप सभी परियां यहां कैसे आ गई और यहां चुड़ैल ने आपको कैद करके रखा हुआ है? हम तिरंगा परियां हैं और इस चुड़ैल ने हमें धोखे से यहां कैद करके रखा हुआ है और अभी ये चुड़ैल हम तीनों की बलि देकर दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल बनना चाहती है। तुम मुझे एक बहादुर और निडर इंसान लगते हो जो तुम हमारी जान बचाने यहाँ तक चले आए। कृपया हमारी ये रस्सी काट दो, तब देखना हम अपनी जादुई शक्तियों से इस चुड़ैल का क्या हाल करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी जान बचा लेता हूँ, परंतु पहले मुझे अपनी कुल्हाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। इतना कहकर राजकुमार इंद्र अपने कुल्हाड़ी ढूंढने इधर उधर निकल जाता है। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद राजकुमार को कुल्हाड़ी मिल जाती है और वे परियों को बचाने के लिए अंदर कमरे में आ जाता है। राजकुमार इंद्र परियों को आजाद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से चुड़ैल वहां आ जाती है। अरे मूर्ख, तू यहां पानी के नीचे जल लोक में क्या कर रहा है? और अगर तू इन परियों को छुड़ाने आया है तो मैं तेरी भी इन परियों के साथ बलि चढ़ा दूंगी। राजकुमार थोड़ी हिम्मत जुटाकर पास रखी तलवार उठा लेता है और चुड़ैल का मुकाबला करने लगता है। राजकुमार और चुड़ैल में बहुत देर तक युद्ध होता है और अंत में राजकुमार चुड़ैल को हरा देता है। राजकुमार इंद्र चुड़ैल से कहकर परियों को आजाद करवा देता है। तीनों परियां आजाद होकर अपनी जादुई छड़ी की मदद से चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है और तीनों परियां राजकुमार इंद्र के साथ पानी से बाहर आ जाती है। तुमने चुड़ैल से हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, इनमें एहसान की क्या बात है, हर इंसान को मुसीबत में फंसे दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। राजकुमार इंद्र की ये सभी बातें परियों को बहुत पसंद आ रही थी और तीनों परियां राजकुमार को पसंद करने लगती है। हम परी लोग की तीन राजकुमारियां हैं, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुमसे विवाह भी करना चाहते हैं। परंतु आप मेरी असलियत जाने बिना मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? हम सब जानते हैं कि तुम राजा किरोड़ी मल के इकलौते पुत्र राजकुमार इंद्र हो और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक महीने के लिए जंगलों में तपस्या के लिए भेजा है। हमें पता है कि कोई भी राजकुमारी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही, क्योंकि तुम बाकी राजकुमारों की तरह निडर और साहसी नहीं हो, परंतु तुमने हमारी जान बचाकर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है और हम तीनों परियां तुम्हारी पत्नियां बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। राजकुमार परियों की बातों से सहमत हो जाता है और वहीं जंगल में तीनों परियों के साथ रहने लगता है। परियां राजकुमार की टूटी फूटी झोपड़ी देखकर अपने जादू से एक सुंदर सा घर प्रकट कर देती है। दूसरी राजकुमारी परी राजकुमार के लिए सुंदर सुंदर भोजन अपनी जादुई शक्तियों से तैयार कर देती है और तीसरी राजकुमारी परी राजकुमार इंद्र को खुश रखने के लिए उसे बहुत सारे नए नए कपड़े देती है। और इसी तरह एक महीने की समय अवधि पूरी होने के बाद राजकुमार तीनों राजकुमारी परियों को लेकर अपने पिताजी के पास महल पहुंच जाता है। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए, यह तीनों राजकुमारियां आपकी बहू है। और इस तरह राजकुमार इंद्र सारी कहानी अपने पिताजी को सुनाता है। वाह बेटे, मुझे पता था तुम एक ना एक दिन अपने पिताजी का नाम रोशन जरूर करोगे। आज तेरे पिताजी को तुझ पर नाज है कि तू किस तरह उस चुड़ैल को मारकर इन तीन सुंदर राजकुमारियों से विवाह कर लाया। मंत्री, जल्दी से हमारे बेटे के विवाह के शुभ अवसर पर बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया जाए और सभी राज्यों के राजाओं को निमंत्रण दिया जाए। इस तरह राजा खुश होकर एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करता है और राजकुमार इंद्र भी अपनी तीनों रानियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।